शांति 9 अगस्त 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। बच्चे यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार, इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? बाबा ने उत्तर दिया, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं, कभी तूफान कभी फैमन है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है, माया का वार भी नहीं होता। बाबा कहते, अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं, कभी तूफान कभी फैमन है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है, माया का वार भी नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1 पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, राइट को ही याद करना है। अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। आज की मुरली का वरदान है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। विश्लेषण है, ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्वप्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर
सेट कर देती है। बाबा कहते, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की सीट पर सेट कर देती है। आज की मुरली का स्लोगन है, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। ओम शांति।